मैंने खेती के लिए कुछ आविष्कार किए हुए हैं, जिसमें ट्रैक्टर चलित कंबाइन हार्वेस्टर है जो कटाई के साथ साथ भूसा भी बनाती है। दूसरा मेरा आविष्कार है खेतों में दवा छिड़काव के लिए व्हील स्प्रेयर नाम की मशीन। इसी के लिए मुझे यहाँ पूसा कृषि मेला में नवाचारी किसान का पुरस्कार मिला हुआ है। एक एक किसान होने के नाते मुझे इस चीज़ का आभास हुआ कि इस चीज़ के लिए ज़रूरी है। क्या है कि लोग कटाई के बाद खेतों में जो खेतों का वेस्ट फसल का वेस्टेज होता है उसको ख़त्म करने के लिए आग लगाते हैं, जिससे पर्यावरण प्रदूषण होता है और पशुओं के लिए चारा भी नहीं मिलता। तब मैंने सोचा इस समस्या का कैसे समाधान किया जाए। तब मैंने सोचा एक ऐसी मशीन बनाई जाए जो कटाई, थ्रेसिंग और भूसा बनाने का काम एक साथ करे और कोई पर्यावरण को भी प्रदूषण ना हो। और दूसरा मैंने जो मशीन बनाया व्हील स्प्रेयर नाम का, वो खेतों में दवा छिड़काव के लिए काम आता है, जो बिना डीजल, बिना पेट्रोल, बिना बिजली का काम करता है। और यदि सरकार का सहयोग मिले, बैंकों से लोन मिले, तो जल्दी मैं अगली साल इसको बाज़ार में ला सकते हैं, जिससे किसानों के लिए उपयोगी होगी और इसकी कीमत लगभग 3.5 लाख के आसपास होगी। अभी तक तो मेरा सरकार की तरफ से पेटेंट फाइल किया गया है और आगे मैं चाहता हूँ कि मुझे इसके लिए सरकार से कोई आर्थिक मदद मिले, जिससे मैं इसके इंडस्ट्री डाल सकूं और किसानों के लिए कम कीमत में कम लागत की मशीन उपलब्ध करा सकूं। इन्होंने किसानों के लिए एक ट्रैक्टर चलित कंबाइन हार्वेस्टर का आविष्कार किया है और दूसरा इन्होंने व्हील चलित जो स्प्रेयर पंप है इसका आविष्कार किया है। इनके द्वारा जो किया गया है कंबाइन हार्वेस्टर का आविष्कार, इसकी लागत भी बहुत कम है और इसको चलाने में भी सरलता रहती है और ट्रैक्टर के द्वारा आसानी से इसको चलाया जा सकता है। और साथ ही साथ इसमें जो कटाई करने के लिए अगर उपयोग करना है तो दूसरी चीज़ों को अलग कर देते हैं, कटाई का काम कर सकते हैं। इसमें स्टोर करने के लिए जो भी अनाज निकलता है, दाना निकलता है, उसकी भी व्यवस्था है। इसके अलावा अगर सभी चारों कार्य अपन को एक साथ करना है तो वो भी करने की इसमें बहुत व्यवस्था है और इसको लाने ले जाने में भी बहुत सुविधा रहती है। इसी को देखते हुए भारत सरकार के द्वारा इनको जो ICR के द्वारा इनको जगजीवन राम अभिनव कृषक पुरस्कार दिया गया है और ये पेटेंट के लिए भी इन्होंने फाइल कर रखा है, जिसमें इनको पेटेंट मिलने की अभी अभी संभावना है। साथ ही बैंक से इन्होंने लोन के लिए अप्लाई कर रखा है और वो अंतिम चरण में है। जैसे ही इनका लोन स्वीकृत हो जाएगा तो ये अपना वर्कशॉप तैयार करके, क्योंकि अभी हमारा जो जोनल वर्कशॉप था कृषि विज्ञान केंद्रों का जबलपुर में, वहाँ पर माननीय डिप्टी डायरेक्टर जनरल और हमारे जो वाइस चांसलर महोदय ने इनके जो प्रोडक्ट हैं इनको देखा था और इनको प्रोत्साहित किया था, तो इसके लिए ये लोग सतत प्रयास कर रहे हैं और प्रयास करने के बाद में ये निश्चित ही जल्दी से हमारे जो किसान भाई हैं दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बनेंगे। और जो 20 लाख 25 लाख रुपए का हमारा कंबाइन हार्वेस्टर आता है उसको हमारे किसान भाई 3 से 4 लाख में क्रय कर सकेंगे और जो एक नरवाई जाने की जलाने की समस्या है उससे भी निजात मिलेगी और ये पर्यावरण सम्मत इनकी जो छिड़कने वाली दवा छिड़कने वाली मशीन है वो भी इनके काफ़ी अच्छी है और कम लागत में लगभग 8 से 10 हज़ार में बन जाती है और एक बार में लगभग 35 लीटर उसका छिड़काव कर सकते हैं। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर FB पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें और शेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि ग्रीन टीवी इसी तरह से किसानों को सशक्त करने के लिए कार्य करता रहे तो आप भी इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, पेटीएम करें, NEFT और क्रेडिट कार्ड के जरिए भी आप हमें सहयोग दे सकते हैं।